वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने देखना है एरियाज इफेक्ट को। आज की हमारी बड़ी छोटी सी और मुख्तसर सी वीडियो होगी और वाइट बोर्ड एनिमेशन हमारा अख्ताम तक पहुंचने वाला है। फिर उसके बाद हमने प्रैक्टिस ही करनी है पूरी, एक कम्प्लीट वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाएंगे हम। तो आपको बता दूँ थोड़ा सा एरियाज इफेक्ट के बारे में। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पहले वीडियो स्क्राइब के अंदर एग्ज़ाम्पल एक बनी हुई थी तो मैंने उसी को पिक कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसे इरेज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको हैंड्स के अंदर जाना पड़ेगा। ये मेरे पास इरेज है, ये आपको इरेज ऐड करनी पड़ेगी। वो मैं बता देता हूँ अभी किस तरह ऐड करनी है। ये आपको मेरी जो है गूगल ड्राइव उसके अंदर मैंने अपलोड कर दी हुई है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। ये एक फ़ोटो ही है तो आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब जब हमने इसे हैंड के अंदर इसे एंटर करना है, एज अ हैंड यूज़ करना है, क्रिएट न्यू हैंड, पहले वाले के ऊपर क्लिक लगाना है, इसको ऑन टिक ही रखना है और एरियाज को हमने ओके कर देना है। ओपन किया, इसको हमने यहाँ पे कर देना है इस तरह एडजस्ट सेंटर में तकरीबन हो, ओके कर दिए। यहाँ पे भी सेम इसको इसी तरह करना है, ये आ गई ओके, ऐसे कर दिया। अब ये हमारा इधर हैंड जो है ऐड हो चुका है, यहाँ पे भी दो दफ़ा ऐड हो गया, एक दफ़ा मैंने पहले किया हुआ था और अब ये दोबारा ऐड हो गया। ये वाला हमारा हैंड अब यहाँ पे ये देखिए ऐड हो चुका है। मैं भी आपको बताता हूँ हमने इसे यूज़ किस तरह करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पब्लिश है हमारे पास, अब हम चाह रहे हैं कि इसको इरेज करें, पहले ये ड्रॉ हो फिर इरेज हो। कैमरा इसका हमने पहले ही यहाँ पर सेट कर लेना है ताकि स्क्रीन जो हमारी है वो मूव ना हो। तो जी अब इरेज इफेक्ट के लिए हमें यहाँ से एक फ़ोटो उठानी पड़ेगी, इसके साथ ये वाली फ़ोटो भी अपलोड, ये वाइट है फुल, ठीक है। इसको हमने कर लेना ओपन और इसको रिवील पे रहने देना, ड्रॉ पे रहने देना। ये उसके ऊपर जगह ले लेगी आके वाइट वाली फ़ोटो ना, इरेज इफेक्ट इसी तरह काम करता है। इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं ये देखें, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये आ गया इसके ऊपर पूरा पूरा एडजस्ट हो गया। तो ये देखें अभी मैं इसका भी हमने कैमरा सेट कर दिया यहाँ से, और ये देखें अभी ये पब्लिश वाला ये जो है प्रॉपर्टीज इसको बनाएगा, ये बन गया। अब ये देखें ये एरिया इफेक्ट हमें नज़र आ रहा, सॉरी हैंड नहीं सेलेक्ट हुआ था, अभी आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें ये इरेज सेलेक्ट कर ली होगी, और ये देखें, ये देखें इरेज इफेक्ट हमारे पास आ गया। ये इस तरह ही हमारा थोड़ा सा काम है। और यहाँ से हमने करनी है अपनी वीडियो एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे आपने आना है, इसके ऊपर क्लिक लगाना है डाउनलोड वीडियो के ऊपर। जब आपने क्लाइंट को देनी है सैंपल के तौर पे, आपने इसको रहने देना है 360 पे या 640 पे, और इसके 25 FPS पे रहने देना। यहाँ से इसको कर लें जी AVI, और यहाँ से आपने इसको क्लिक लगाना तो एक्सपोर्ट होने शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आपने क्लाइंट को फाइनल वीडियो बना के देनी है तो इसको आपने 1080 के ऊपर रखना है Full HD पे, और यहाँ पे 50 FPS पूरे करने हैं 50 FPS। जब उसे सैंपल दिखाना है 25 FPS तक जल्दी से एक्सपोर्ट हो जाए, लेकिन जब हमने उसे वीडियो देनी है फिर हमने 50 FPS और 180 और 1080 जो है Full HD उसके ऊपर हमने इसको करके देना है उसे एक्सपोर्ट। उसके बाद ये हमारा रह गया थोड़ा सा ये वाला हमारा बैकग्राउंड, अगर हम कोई और सेलेक्ट करना चाहें तो ये देखिए पीछे बैकग्राउंड चेंज हो रहा है जिस तरह आपका दिल करे। और ये कुछ इसके बिल्ट इन म्यूजिक्स हैं, मैंने तो कभी नहीं यूज़ किया, मैंने तो हमेशा अपना म्यूज़िक ही लगाया है। तो अगर वॉइस ओवर के साथ आप ड्राइंग करेंगे तो वॉइस ओवर आपने यहाँ से अपलोड कर लेना जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी होगी, फिर उसके साथ साथ आपने जो आगे वो अपनी एनिमेशन करते जाना, यहाँ से आपकी जो है वो अपलोड होगी ऑडियो। ये हैंड का आपको बता दिया है, और यहाँ से प्ले वगैरह होते हैं, ये इन तीन चीज़ों पर तो एक अलग अलग वीडियो बनी हुई है। बाकी आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, अब रह गया स्क्रिप्ट। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी स्क्रिप्ट के ऊपर है वो छोटी सी वीडियो वो भी होगी, मे बी आज अपलोड हो जाए, मे बी कल अपलोड हो जाए। और उसके बाद फिर हमने मैंने आपको बताना है कि फिल्मोरा के ऊपर इसको हमने एडिट किस तरह करना है, फिर हम एक कंप्लीट A to Z जो है एनिमेशन बनाएंगे शुरू से लेके आखिर तक, एक एनिमेशन बना के हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।